नमस्कार, आप देख रहे हैं लर्निंग मंत्रा का ऑनलाइन पाठशाला और मैं हूं विवेक मिश्र। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ज़रूरत है तो सिर्फ उसको आपको ध्यान देने की है कि आखिर ये क्वेश्चन क्या भारतीय संविधान की विशेषताओं से जुड़ा है या संविधान के किसी एक टॉपिक से जुड़ा है। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं से क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में बहुत सारे पूछे जाते हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब आप पूरे भारतीय संविधान की विशेषता को पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप एनालिसिस करिएगा कि आपको संविधान की मैक्सिमम चीज़ें सिर्फ भारतीय संविधान की विशेषताओं जैसे टॉपिक में ही आपको पढ़ने को मिल गई होंगी। तो उसी में से हम लोग एक एक पॉइंट को उठाते हैं कि संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, संविधान में कौन कौन से प्रावधानों को लागू किया गया जो हमारे देश के संविधान को बहुत ही अनोखा, बहुत ही अलग और सबसे बेहतरीन संविधान बनाने के लिए वो प्रावधान अपनाए गए हैं। तो उसमें से हमारा आज का जो पहला पॉइंट है भारतीय संविधान की विशेषताओं में, हमारा टॉपिक है आज का भारतीय संविधान की विशेषताएं, एसेंशियल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में हमारा आज का जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट हमारा है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित या यूं कह लें कि निर्मित संविधान है। ये देखने में आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ी सी आप प्रतीक्षा करें तो आपको समझ में आएगा कि इस पॉइंट में कितने सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे हम लोग भारत के स्तर की बात करें चाहे हम लोग वैश्विक स्तर पर बात करें। आपको समझ में आएगा कि आखिर ये पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, बल्कि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। देखना ये है आपको कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है विश्व का। कैसे बड़ा संविधान है, कैसे हम माने कि सबसे बड़ा संविधान है? तो सबसे बड़ा संविधान इसलिए है कि यहाँ पर अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, 395। हम पहले बात कर रहे हैं मूल संविधान की, कैसे बड़ा है मूल संविधान के अनुसार। तो अनुच्छेदों की संख्या 395, अनुसूचियों की संख्या, शेड्यूल की संख्या कितनी थी, अनुसूचियाँ 8 थी। और उसके बाद भाग की संख्या, कितने पार्ट्स थे, तो 22 भाग भारतीय संविधान के मूल संविधान में मौजूद थे। इतना ज़्यादा अनुच्छेद, इतनी ज़्यादा अनुसूचियाँ या भाग विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, हम ये बात कर रहे थे मूल संविधान की। मूल संविधान की अगर हम लोग मान लीजिए कि बात करते हैं कि एक मूल संविधान होता है और एक वर्तमान का संविधान होता है, तो मूल संविधान का मतलब क्या हो गया कि 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान के अंतर्गत अपनाई जाने वाली एक ऐसी तारीख है जिसमें संविधान के कुछ अनुच्छेदों को या यूं कह सकते हैं कि कुछ प्रोविजंस को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया। क्योंकि पूर्ण रूप से संविधान कब बना, 26 नवंबर 1949 को। अब कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि कितने आर्टिकल्स को लागू किया गया था, तो कुल 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। समय समय पर हम इन सभी आर्टिकल्स की बात करते रहेंगे, कौन कौन से आर्टिकल्स उसमें शामिल किए गए थे। एक अगर आप लुक देखना चाहते हैं तो
नागरिकता के जितने भी प्रावधान थे आर्टिकल 5-11 तक उसको लागू कर दिया गया, आर्टिकल 324 लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है उस प्रोविज़न को यानी आर्टिकल 60 को लागू किया गया। तो ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो कि संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ यानी 26 नवंबर 1949 को ही उसको लागू कर दिया गया। अब एक सवाल यहाँ पर और भी पूछा जाता है कि संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो संविधान पूर्ण लागू कब हुआ था इसकी तारीख भी आपसे पूछी जाती है, तो डेट आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया, आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। तो हम जो ये आर्टिकल 395 शेड्यूल्स 8 की बात कर रहे हैं, पार्ट 22 की बात कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी बातें कब की हम कर रहे हैं, 26 नवंबर 1949 की। अब इसके बाद हम लोग बात करें कि इस वर्तमान में क्या भारत का संविधान इतना ही बड़ा है, तो वर्तमान में आपको अगर अनुच्छेद पूछा जाए हाउ मेनी आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका आंसर होगा 450+ लगभग 475 आर्टिकल्स आपको मिलते हैं वर्तमान में। कैसे होता है थोड़ा सा वेट करिएगा। इसके बाद हम लोग अनुसूचियों की बात करते हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में हमारे देश के संविधान में कितनी है, 12 हैं। अब हम लोग भाग की बात करते हैं, तो भाग की संख्या कितनी है, तो इस समय भाग की संख्या भी कितनी है, 25 है। अब यहां पर आप परेशान हो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये 475 या 450 आर्टिकल्स की बात की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग के दृष्टिकोण से हैं, अलग से 396वां कोई अनुच्छेद नहीं लिखा गया है। मतलब कि अगर किसी आर्टिकल्स के सब आर्टिकल्स बनाए गए हैं तो उसको भी हमने एक अलग आर्टिकल के रूप में काउंट किया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कितने आर्टिकल्स हैं, 475 हैं या 450+ हैं या 450 से अधिक हैं। इसी तरह से अनुसूचियों की बात करेंगे तो अनुसूचियों की संख्या तो 8 से लेकर 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं अनुसूची अलग से बाकायदा संविधान में संशोधन करके उसको शामिल किया गया है। और भाग की संख्या अगर हम लोग बात करें तो भाग वर्तमान में कितने हैं, 25 हैं। जो सब पार्ट जोड़े गए उनकी काउंटिंग के दृष्टिकोण से भाग की संख्या कितनी है, 25 है। तो ये वाली बात आपको समझ में आई कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान कैसे है। अब अगर हमने यहाँ के आर्टिकल्स की बात किया तो आप जानते हैं कि जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका का संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, तो वहाँ पर 7 आर्टिकल ही हैं। आप जानते हैं कि ये विश्व के बड़े अच्छे देशों में गिने जाते हैं, फिर भी यहाँ पर आर्टिकल्स की संख्या कितनी है, 7 है। हमारा भारत फिर भी महान है। क्यों महान है, ये आप देख रहे हैं कि 395 आर्टिकल में समाज के हर एक बंदे को, हर एक व्यवस्था को, कोई भी प्रोविज़न हो, किसी भी तबके का हो, सब के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग की ही क्यों ना हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान बड़ा तो है, हम लोगों ने ये बात कर लिया, लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, या यूँ कह ले कि भारतीय संविधान के विस्तृत होने का कारण क्या है, तब आप आंसर क्या लगाएंगे। इधर देखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान बहुत विस्तृत संविधान है, इसके पीछे क्या कारण है, तो आप कारण बताएंगे इसके लिए कि जो राज्य के प्रोविज़न हैं उसको भी, जो केंद्र के प्रोविज़न हैं उसको भी, जब इन दोनों प्रोविजन्स को एक ही संविधान में रखा गया तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारे देश का संविधान बहुत ही लंबा विस्तृत हो गया है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि भारत का संविधान लिखित है और निर्मित है, ये बात कैसे साबित होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या भारत का संविधान निर्मित है या
नहीं है। तो भारत का संविधान निर्मित है, और निर्मित कैसे है, किसने इसका निर्माण किया है, तो आपको पता है कि भारत का संविधान, भारत की संविधान सभा के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा कब बनाया गया था, या इसके लिए जब देश में संविधान बनाने की बात हो रही थी तो कौन ऐसा कोई संस्था आई थी, कोई आयोग आया था जिसने ये माना कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए और वही संविधान सभा देश के लिए संविधान का निर्माण करेगी। तो उसके लिए आया था एक कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया। और इसमें कौन कौन से सदस्य थे, तो सदस्यों की संख्या इसमें कितनी थी, कुल 3 सदस्य इसमें शामिल थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य इसमें शामिल थे। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दिया, रिपोर्ट दिया मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट दे दिया। और रिपोर्ट देने के बाद यहाँ पर सदस्यों का चयन किया गया। और सदस्यों की संख्या की अगर हम लोग बात कर लें, तो संविधान सभा का जब गठन किया गया तो इसमें कुल कितने सदस्यों को शामिल किया गया था कितने सदस्य इसमें थे, आपका जवाब आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा गेस करिए कि कुल कितने सदस्य इसमें शामिल किए गए थे। तो शामिल करने वाले जो सदस्य थे उसमें कुल 389 सदस्य थे, 389 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया था। और इन 389 सदस्यों को भी डिवाइड किया गया था। कैसे डिवाइड किया गया था, कुछ तो थे जो कि ब्रिटिश भारत से आए थे, कुछ थे जो ब्रिटिश भारत से आए थे, और कुछ थे जो देसी रियासतों से आए थे। देसी रियासतों और ब्रिटिश भारत से यहाँ पर सदस्यों को शामिल किया गया था। और इस ब्रिटिश भारत में कौन कौन से थे, ब्रिटिश भारत में कुल 296 मेंबर यहाँ से आए, और देसी रियासतों से कुल 93 सदस्यों को शामिल किया गया। अब इसमें आप देखेंगे तो ब्रिटिश भारत में भी 2 थे, कौन कौन से थे, एक था ब्रिटिश प्रांत और दूसरा था चीफ कमिश्नरी और ब्रिटिश प्रांत से कुल आने वाले जो सदस्य थे वो थे 292, और चीफ कमिश्नरी से कितने सदस्य थे, तो 4। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि सवाल आपको कहाँ से पूछा गया है, ब्रिटिश भारत से पूछा गया है या ब्रिटिश प्रांत से पूछा गया है। 4 चीफ कमिश्नरी और ब्रिटिश प्रांत को मिलाकर के ब्रिटिश भारत बनाया गया, जहाँ से 296 सदस्य थे, और उसके बाद देसी रियासतों की संख्या कितनी थी, 93 थी। अब सवाल एक और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जिस समय यानी कि 1947 के आसपास में देश की जो कुल जनसंख्या थी, देश की कुल जनसंख्या वो तकरीबन 40 करोड़ थी, 40 करोड़ जनसंख्या थी, और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट डिसाइड की गई थी, एक सीट को कंफर्म किया गया। तो इस लिहाज से अगर देखा जाएगा तो तकरीबन 389 सदस्य आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और एक सवाल और पूछा जाता है कि संविधान का जो पहली बैठक हुई थी उसमें कितने सदस्य शामिल थे, तो इसका जवाब आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप ढंग से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इसका आपको जवाब देना है
कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य शामिल थे और उसकी अध्यक्षता किसने किया था, इस सवाल का जवाब आपको देना है मुझे कमेंट सेक्शन में। तो ये बात हो गई कि देश का संविधान सबसे बड़ा है, निर्मित है और लिखित है। लिखित कैसे है हम लोग इसकी भी बात कर लेते हैं। लिखित संविधान वो संविधान होता है जिसका मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है, लिखा गया होता है, अधिकांश भागों को लिखा जाता है। इसलिए क्या होता है कि उसको हम लिखित संविधान कहते हैं, यानी कि संविधान को हम दो तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं लिखित संविधान, दूसरे को कहते हैं अलिखित संविधान। तो लिखित और अलिखित संविधान, संविधान के दो ये अलग अलग प्रकार होते हैं उसमें किए जाने वाले प्रोविजंस के आधार पर। तो संविधान जो लिखित संविधान होता है या फिर अलिखित संविधान होता है, अगर हम लोग इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन जान लें तो चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। तो लिखित संविधान वो संविधान होता है जिसका मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है, रिटेन होता है, जबकि अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, अनरिटेन होता है। तो इसलिए एक सवाल और आता है कि क्या भारतीय संविधान पूर्णतः लिखित है या भारतीय संविधान पूर्णतः अलिखित है। तो आपका जवाब होगा कि भारतीय संविधान लिखित और अलिखित दोनों का मिश्रण है। भारतीय संविधान में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको लिखा गया है आर्टिकल्स के अंतर्गत, और कुछ ऐसे हैं जो संसदीय मान्यताएं हैं, राजनीतिक मान्यताएं हैं, संवैधानिक मान्यताएं हैं, उन सभी के आधार पर भी कुछ प्रोविजंस को अपनाया जाता है। तो देश का संविधान लिखित और अलिखित दोनों प्रकार का होता है। इसके बाद एक सवाल और आता है आपके एग्जाम में गणतंत्र शब्द को लेकर। तो भारत के संविधान में गणतंत्र को अपनाया गया है, तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है हम लोग ये समझते हैं। पहला सवाल तो आपको यही पूछा जाता है कि संविधान में गणतंत्र यानी रिपब्लिक, आप जानते हैं कि जो गणतंत्र है, गणतंत्र दिवस हम लोग रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, 26 जनवरी को, 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र यानी रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो आपको ये पहला सवाल है कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि गणतंत्र का हमारे देश के संविधान में कहाँ पर प्रावधान किया गया है। ये दो महत्वपूर्ण सवाल हैं और यहाँ से आपको अक्सर क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो पहला हम लोग गणतंत्र का मतलब समझते हैं, मीनिंग क्या होती है रिपब्लिक का। आप जानते हैं कि गणतंत्र का जो शब्द होगा, गणतंत्र शब्द का अर्थ, उसका मतलब होता है कि जो देश का सर्वोच्च नागरिक हो, देश का सर्वोच्च नागरिक हो। तो देश का सर्वोच्च नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है, यानी कि राष्ट्रपति होगा। तो देश का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति जो होगा, आप इसे समझ सकते हैं गणतंत्र का मतलब, देश का जो सर्वोच्च नागरिक होगा उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन किया जाए, उसका चुनाव किया जाए, न कि उसको नॉमिनेट किया जाए या न तो उसको वंशानुगत रखा जाए। मतलब हो गया कि देश का सर्वोच्च नागरिक जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति किया जाए, उसका चुनाव किया जाए। तो ये प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। दोनों तरीके से राष्ट्रपति यानी कि सर्वोच्च नागरिक क्या हो, निर्वाचित होना चाहिए गणतंत्र होने के लिए। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि गणतंत्र शब्द का प्रयोग संविधान में कहां पर किया गया है, किस आर्टिकल में किया गया है। तो आप जानते रहिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि संविधान के किसी भी आर्टिकल में गणतंत्र यानी रिपब्लिक वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में किसी भी आर्टिकल में गणतंत्र शब्द का प्रयोग नहीं है। कहां पर है? आर्टिकल्स में नहीं है, बट इसका प्रोविजन है। कहां पर? प्रीएम्बल में। कहां पर बताएंगे? तो प्रीएम्बल में। अब आपको एक होमवर्क और है कि आपको भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है
प्रीएम्बल है उसको पूरी तरह से आपको रटना है। और मैं आपको अगले वीडियो में यहाँ से बताऊँगा कि प्रीएम्बल से आपके कितनी विशेषताओं को यहाँ पर आप ला सकते हैं। जो हम गणतंत्र वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं कि प्रीएम्बल में कहाँ है। जब आप प्रीएम्बल को रटेंगे तब आपको पता चलेगा कि गणतंत्र वर्ड का प्रयोग संविधान की प्रस्तावना में कहाँ पर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगले वीडियो में हम लोग संविधान की किसी अगली विशेषता को चर्चा करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि उस वीडियो में संविधान की पूरी विशेषताओं को हम लोग कवर कर लेंगे। डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो अगले वीडियो में हम लोग संविधान की अगली विशेषता के बारे में बात करेंगे। आप देखते रहिए लर्निंग मंत्रा का ऑनलाइन पाठशाला। जय हिंद, वंदे मातरम।